हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज तो पढ़ ही रहे थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ नंबर सिस्टम्स के जो क्वेश्चंस होते थे उन पर भी डील करना शुरू किया है। कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे आपका क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक जो होगा वो आपका समय बचाएगा। जैसे कि स्क्वायर करना होता है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, हमने एक तरीका आपको बताया था, उसी तरीके को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 33 का स्क्वायर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने एक तरीका पढ़ा था। जैसे एग्जामिनेशन में 33 का स्क्वायर पूछ लिया गया या 333 का स्क्वायर पूछ लिया जाता है, तो हम लोग कैसे इसको करते हैं, बहुत समय बचा के कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में ये सारी बातें पढ़ी थी कि 333 का स्क्वायर भी कैसे निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि 666 का जो स्क्वायर है वो कैसे किया जाएगा। उसी तरह से अगर 4-6 रहेगा तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, अगर ये 5-6 रहेगा तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। सेम टाइप के सवाल जो होते हैं वो 9-9 पर भी आते हैं, और ये तीनों के तीनों जो होते हैं इनका स्क्वायर करने का एक तरीका होता है, और तरीका जो होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी जाना था कि 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, फिर उसी तरह से 6, जितने 6 रहेंगे उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में जानकारी हो। इससे फायदा आपको ये रहेगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका समय जो होगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा बच जाएगा। अब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं कि 999 का अगर स्क्वायर करना है तो वो क्या कर रहे हैं, 999 और 999 से गुना कर रहे हैं, तो बहुत सारा समय आपका जो होगा वो एग्जामिनेशन में, मतलब आपका समय किल हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारे तरीका, जैसे मान लिया जाए कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि 66 का स्क्वायर करना है प्लस 666 का स्क्वायर करना है और प्लस यहाँ 999 का स्क्वायर करना है, अब आपको इसको बनाना है, इनको योगफल निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको बहुत सारा समय इसमें लग जाएगा क्योंकि इसको स्क्वायर करना है आपको। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, समय को बचाने के लिए हम लोगों ने एक स्क्वायर का कुछ ट्रिक बना लिया है जिसके आधार पर हम समय को बचा सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आप अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, तो उसपे भी ये चीजें जो है वो नंबर सिस्टम्स की जो चीजें हैं वो काम में आएंगी। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पीछे वाले क्लास में चलते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, 33 का स्क्वायर जैसे ही पढ़ा था, तो 33 के स्क्वायर के लिए आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे, फुल डिटेल बताया गया है इसको। तो 33 का स्क्वायर ना निकाल के हम लोग 333 के स्क्वायर को जान लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, 333 का स्क्वायर करना होता है तब ये कितने 3 है आपको देखना होगा, 3 3 है, तो 1 3 को यहां से आप स्क्वायर कर देंगे, कट करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो लिखते हैं 0 और 9 लिख देते हैं, ये बात खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या सिखाया था, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अब कितने 3 बचे हैं, तो 2 3 बच गए हैं। अब 2 3 को क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से कि 9, यहाँ पर जो 9 है उससे 1 घटा के संख्या लिखना है, और जो 1 घटा के संख्या लिखेंगे आप 2 बार लिखेंगे, जैसे 2 बार 3 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 8 और 8, क्योंकि 2 3 बचा है, 1 तो हमने स्क्वायर कर दिया। दूसरा 0 से बढ़ा करके, यानी कि ये माइनस तो ये प्लस जाएगा, और इसमें जब हम बढ़ाएंगे तो प्लस 1 इसमें बढ़ा देंगे, माइनस 1 इससे यहां से करना था, तो जब प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 बार 3 है तो ये हमने स्क्वायर का तरीका निकाला था, और अभी हम इसी को आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। तो 3 3 का स्क्वायर करना आप पिछले वीडियो पर जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि 66 का स्क्वायर पूछ रहा है, 666 का स्क्वायर पूछ रहा है, एक बार और 666, यानी यहां पर तो 4 6 आ गया उसका स्क्वायर पूछ रहा है, 5 6 आ गया तो स्क्वायर पूछ रहा है, अब हम इसके स्क्वायर को कैसे जल्दीबाजी में करें और तेजी में कैसे इसको बनाएं, चलिए सीखते हैं तरीका। तो तरीका वही रहेगा जो 3 के मल्टीपल, यानी कि 3 6 और 9, इन तीनों का जो मल्टीपल होगा वो कुछ एक ही तरीके का होगा। जैसे हमने क्या कहा कि 1 अंक को 2 6 हैं तो 1 को लॉक करेंगे आप और इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 6 का जब स्क्वायर करेंगे आप, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, आपको बहुत सावधानी से क्या करना है, कुछ गैप में उसको लिखना है,
थ्री और सिक्स को यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से अब देखिए, ध्यान हमने क्या बताया था, तीन वाले नियम में वही नियम यहाँ काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि इससे एक घटा लेना है, ठीक है, इससे एक कम वाली संख्या को आपको लिखनी है यहाँ। तो छह से कम जो होगा वो कितना होगा, पांच। तो देख रहे हैं कि कितने छह बचे हैं, एक बचे हैं, तो एक बार आपको पांच यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमको यहाँ पर इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको क्या कर देना है, प्लस वन कर देना है। और कितने बार छह, यहाँ तो एक कट ही गया, एक ही छह है, तो यहाँ पर हम लोग तीन और एक चार लिख देंगे। ये 4, 3, 5, 6 इसका स्क्वायर हुआ, तो बहुत आसानी से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर 666 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, सेम बात है, एक को आपको क्या करना होगा, रोकना होगा और इसको स्क्वायर करना होगा। 36, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 36 हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये 36 है तो आपको देखना है कि कितने छह बच गए यहाँ पे, तो दो छह बचे हैं, तो इस वाली संख्या से एक से छोटी संख्या लिखनी है। कितने बार आएगा, तो जितना छह बचा हुआ है एक को छोड़ के उतने बार आएगा, यानी कि छह से अगर हम एक को घटा देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पांच आएगा, और पांच कितनी बार है, दो छह बचा है तो दो बार आएगा। अब अगले में क्या करना है, जो संख्या हमारे पास बची है उसमें प्लस वन जोड़ देना है, और प्लस वन जोड़ के क्या आता है, चार आएगा, तीन का प्लस वन करेंगे चार आएगा, और चार कितने बार लिखना पड़ेगा, दो बार, तो 4, 4, 3, 5, 5, 6 इसका आंसर निकल के आएगा। हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 4, 6 का स्क्वायर डायरेक्टली करते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी कि 36 कर देंगे यहाँ पर फिर से हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 3, 6 जो है वो बच गए, अगर 3, 6 यहाँ पर बचा हुआ है तो आप देखिए 6 से क्या करेंगे, एक माइनस वन हम लोग घटा लेते हैं, माइनस वन घटाएंगे तो 5, 5 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसा रहा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 3 से यहाँ पर प्लस करते हुए जाना है, और लिखना कितनी बार है, तो जितने बार 6 आपने बचाया है तो 4, 4 और 4, तो ये इसका स्क्वायरिंग होगा। आपको बहुत सावधानी से इसको बना लेना है। आगे देखते हैं कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, तो एक 36 हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा गैप में लिख लेते हैं। अब कितनी बार एक घटा के लिखना है, 5 लिखा जाएगा, कितनी बार 5 लिखेंगे, तो 4 बार लिखना होगा, तो 5, 5, 5 और 5, आपने जितनी बार 5 को लिखा है इससे अंक को बढ़ाते हुए उतनी बार 4 को लिखेंगे, तो 4, 4, 4 और 4, ये इसका स्क्वायर हुआ। तो आप इसको बहुत आसानी से सीख गए होंगे कि इसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। 6, 6, 6, 6, 6, 6 का होल स्क्वायर अगर आएगा तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि क्या आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोग 3 का और 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 के मल्टीपल पर जितने भी हैं, जैसे हम लोग 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 9, कितनी बार भी ये रिपीट होगा 3 के मल्टीपल में, तो हम लोग इसका स्क्वायर के लिए यही रूल का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब चलते हैं 9, 9 की ओर। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यही तरीका लगाना है तो हमको क्या करना होगा, अब हम 9 का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो फिर आपको 99 × 99 करना पड़ जाएगा, ठीक है, और ये बहुत समय आपका लग जाएगा। इसीलिए हमने समय को बचाने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या इस्तेमाल किया है, सेम तरीके को लगाएंगे। जैसे आपको 9, 9 है तो 1, 9 का तो आप स्क्वायर कर देंगे, तो 8 और थोड़ा गैप पर लिखेंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, तो 8 को यहाँ लिख देंगे, 1 को यहाँ लिख देंगे। अब आपको सेम चीज करना है क्या, कि इससे घटती हुई एक संख्या को लिखना है कितनी बार, तो जितना इसको छोड़ने के बाद जितना 9 बचा है, तो आप देख रहे हैं एक ही 9 बचा है, तो इससे एक कम माइनस वन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपको ये बात पता है। और इससे प्लस वन करना है, 3 वाले में भी यही रूल, 6 वाले में भी और 9 वाले में भी, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1, 9 हो जाएगा। अगर हम 999 का स्क्वायर कर दे, 999 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे बनेगा, तो एक स्क्वायर को हटा देना है यहाँ पे, एक को स्क्वायर कर लेना है, तो 8 और 1 हो जाएगा। अब दो संख्याएं बची हैं तो इससे एक घटा के 2 बार लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0,
हो गया। अब इसके बाद इस पर एक बढ़ाना है तो आठ में एक जोड़ देंगे नौ, लिखना कितनी बार होगा, जितने बार नौ बचा होगा उतने बार, तो नौ, तो ये स्क्वायर हुआ 999 का स्क्वायर हो गया। अगर आप चार नौ का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक का स्क्वायर कर देंगे आप, यानी कि एट और वन कर देंगे, उसके बाद तीन लिखा हुआ है यहां तक, तो आपको तीन बार यहां पर जीरो लगाना होगा। जैसे ही तीन बार हमने जीरो लगाया, अब इसको प्लस में लेके आना होगा, तो नाइन, ठीक है, आठ एक नौ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, और तीन बार आपको नौ लिखना होगा। तो ये जो स्क्वायर बना वो चार के स्क्वायर में बना। आगे एक और क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 999999, इसका स्क्वायर आप लोगों को करना है, तो आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर को, एक को तो 81 लिख देंगे आप। अब देखिए कितनी बार 9 बचा है, तो चार बार, तो यानी कि इससे एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो को कितनी बार लिखेंगे, चार बार, और इससे एक जोड़ेंगे इससे तो एक प्लस करेंगे, तो 9 को कितनी बार लिखेंगे आप लोग, तो 9 को भी आप लोग लिखेंगे कितने बार, चार बार, यानी जितना बार जीरो रहेगा उतना बार हम 9 को लिख देंगे। चलिए ये बात तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इससे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, और बहुत तरीके का क्वेश्चन इस पे उठाया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कभी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, देखेंगे आप कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि 333 का स्क्वायर करना हो, 33 का स्क्वायर करना हो, प्लस आपको यहां पर बोल दे 666 का स्क्वायर करना हो, और प्लस 999 का स्क्वायर करना हो, और पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तीन और लगा ही लेंगे आप, तो ये स्क्वायर करना पूछ सकता है, तो बहुत सारा समय जाएगा आपका स्क्वायरिंग करने में। आपका अगर तरीका पता रहेगा तो आप तेजी में इसको बना पाएंगे। जैसे तीन 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 का स्क्वायर का नियम क्या होता है, तो एक लास्ट में छोड़ना है, तो तीन का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं कितना, तीन तिया नौ हो जाएगा, जीरो नौ होगा ये। अगर दो बार है तो घटते हुए कितना आएगा, आठ और आठ आएगा, ठीक है, एक घटाते हुए आना है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, वन वन को लगा देंगे, ठीक है, हमने क्या किया, बात आप समझ गए होंगे, और ये इसका आ गया। अगर छः छः का स्क्वायर करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 36 लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 36 लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे 36 लिख देंगे थोड़ा गैप पे। दो बार है तो इसको क्या करना होगा, एक घटाना होगा, यानी कि 5 और 5 आ जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 और 4 लिख देंगे। बहुत आसानी से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। अगर 9 का स्क्वायर करना है तो 9 नमा कितना आ जाएगा, 81 आएगा, आप बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, 81 आएगा, और दो बार यहाँ पर इससे बढ़ती हुई संख्या को अगर यहाँ से घटाएंगे तो 0 और 0 आएगा, और यहाँ से बढ़ती हुई संख्या को लिखेंगे तो 9 और 9 होगा। बाकी जो काम आपका है कि आप इन सबको जोड़ देंगे वही आपका आंसर होगा। तो अगर आपको ये तरीका पता नहीं है तो आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, आपको पहले 333 का स्क्वायर करना होगा, फिर 666 का, और फिर 999 का स्क्वायर करना होगा, तभी आप जाके इसको बना पाएंगे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करेंगे और लोगों को भी बताएंगे, और अच्छा से इस बात को समझेंगे। हर चीज जो है वो एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, और आप एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप रटते चलेंगे। तो ज्योमेट्री का जो अगला वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है, जिसमें हम लोग सर्कम सेंटर की बात कर रहे होंगे, और यहाँ पर ये वाला ट्रिक तब तक आप लोग देखेंगे, और हमको आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। चलिए तब तक के लिए बाय।